बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक कुक विद शगुफ्ता। आज मैं बना रही हूँ पालक चिकन। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाल सब्सक्राइब का बटन जरूर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले और साथ में लाइक जरूर करें। पानी को पहले ही मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं पानी में 1 किलो पालक डाल रही हूँ, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। और जैसे ही पालक में जोश आएगा तो मैं ये पानी ड्रेन कर दूंगी। अब उसी कढ़ाई में मैं 1/2 कप ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होगा मैं इसमें प्याज शामिल कर दूंगी। प्याज डाल रही हूँ, 3 अदद प्याज हैं जिसको मैंने बारीक स्लाइस कटिंग किया हुआ है। प्याज को हम 2 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे। प्याज जैसे ही हल्का सा नरम होगा मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। प्याज हल्का सा नरम हो गया है, अब मैं इसमें 3 अदद टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर डालकर हम 1 मिनट तक भूनेंगे टमाटरों को। अब मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ जो कि 1 किलो है। चिकन डालकर हम तकरीबन 10 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे। अब मैं इसमें चॉप किया हुआ लहसुन डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून। इतना भूनेंगे कि लहसुन की खुशबू आने लग जाएगी। अब मैं इसमें कटी हुई 3 अदद हरी मिर्चें डाल रही हूँ। किसी लाल मिर्च डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून। नमक डाल रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। और साथ ही इसमें हल्दी डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून है हल्दी। मसाले डालकर हम फिर से भूनेंगे। मसाले डालकर भी हमने बहुत अच्छी तरह से चिकन को भून लिया है। अब मैं इसमें मेथी डाल रही हूँ, 1 कप मेथी है। मेथी को मैंने बहुत अच्छी तरह से धो लिया था। मेथी डालकर बस हम 1 मिनट तक भूनेंगे। अब मैं पालक डाल रही हूँ। ये वो पालक है जो मैंने शुरू में पकाई थी पालक को, और पानी मैंने ड्रेन कर दिया था पालक में से। 5 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे पालक डालकर हम। पालक को भूनते हुए 5 मिनट हो गए और पालक का देखें पानी भी हल्का हल्का सा निकल रहा है। अब मैं ढककर रख रही हूँ 10 मिनट के लिए, जब तक पालक बहुत अच्छी तरह से गल जाएगी और चिकन भी। 10 मिनट हो गए और खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। चिकन भी अच्छी तरह से गल गई है और पालक भी, लेकिन हमें ये पानी खुश्क करना है ना। भूनेंगे कि पानी खुश्क हो जाएगा। अब इसमें मैं पिसा हुआ धनिया डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून, और साथ ही इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून। दोबारा से भूनेंगे। अब इतना पकाएंगे कि पानी खुश्क हो जाएगा। और जैसे जैसे मैं भून रही हूँ ये पानी देखें खुश्क होता जा रहा है। ये देखें पानी खुश्क हो गया है। इस तरह हमारी पालक चिकन तैयार है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है पालक चिकन। आप भी इसी तरीके से घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दें। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के लिए आपकी स्क्रीन के सेंटर में सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।